हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। वेलकम टू माय चैनल एंड नेक्लासरूम। आज हम लोग इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोवर्ब्स को देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट, गिव अप यानी त्यागना यानी छोड़ देना। सेंटेंस अगर देखेंगे तो नेवर गिव अप यानी कभी मत त्यागो यानी छोड़ो। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। तो सेंटेंस का अगर बनाएंगे हम लोग, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े माता पिता का क्या ख्याल रखनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए। थर्ड, कीप अप यानी जारी रखना। कीप अप डिस्कशन यानी बहस को जारी रखो। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना। किसी भी चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं, गेट रिड ऑफ। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ यू, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। फिफ्थ, ब्रिंग अप यानी किसी का पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अप द पुअर चिल्ड्रेन यानी जो सरकार है गरीब बच्चों का पालन पोषण करता है। सिक्स्थ, कैरी ऑन कीप अप, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका सेंटेंस एक और देख लेते हैं, कैरी ऑन मुन्ना भाई। टेक ऑफ का दो मतलब होता है, एक प्लेन का उड़ान भरना, दूसरा होता है कोई भी चीज़ उतारना। सेंटेंस देखते हैं, टेक ऑफ योर क्लॉथ यानी अपने कपड़े उतारो। एट में देखते हैं, लुक आफ्टर यानी ख्याल रखना, जस्ट वैसा ही है। सॉरी, लुक आफ्टर रिपीट हो गया है। नाइन्थ में देख लेते हैं, टेक केयर, इसका मतलब भी ख्याल रखना होता है, इसको यूज़ करेंगे। टेक केयर ऑफ योर मॉम, आप अपनी माँ का ख्याल रखें। टेंथ में ब्रेक ऑफ यानी रिश्ता ख़त्म करना, तो यहाँ बोल सकते हैं आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू, मैं आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसका पार्ट टू वीडियो ले आऊँगा गाइस, क्योंकि और बहुत सारे वर्ड्स जो छूट गया जो बताना वो ज़रूरी है, तो इसको पार्ट टू में जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो सकता था इसलिए नहीं रखा हूँ इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।